हे दोस्तों, क्या आप लोगों को कुछ इस तरीके से वीडमेट का प्रॉब्लम आता है? अगर आप कोई भी वीडियोस या फिर कोई भी मूवी अगर आप दूसरे के फ़ोन से शेयर करते हो, अपने फ़ोन में रिसीव कर लेते हो या फिर ले लेते हो, तो गाइज आप लोग देखते हो गाइज अगर आप वीडमेट में ओपन करते होगे तो कुछ इस तरीके से मांगता होगा या फिर आप लोगों को वहाँ पर क्या होता होगा, प्ले इट अप्लीकेशन एक डाउनलोड करने को बोलता है। तो गाइज जी हाँ गाइज, आज की इस वीडियो में इसी का प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो ये कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, बिना प्ले इट के आप कैसे कोई वीडियोज़ को कैसे चला सकते हो, रन कर सकते हो, तो गाइज आज की हमारा ये टॉपिक होने वाला। तो यार वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है जरा सा भी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और जिस भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गाइस यहाँ पर आप लोग क्या लिखता होगा, एरर कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखता होगा, और 2-3 सेकंड के लिए यहाँ पर वीडियो प्ले होता होगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी वीडियोस का सीन वहाँ पे शो नहीं होता होगा। तो गाइस ऐसा सीन काफ़ी लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसी का सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए अपने चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और गाइस आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाते हैं। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, एंड यहाँ पर MX प्लेयर के अंदर जाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर MX प्लेयर के जाने के बाद यहाँ पर एक वीडियो को मैं जो प्लेट का प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो यहाँ पर उसको यहाँ पर प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो वही अभी वही दिखा रहा है, प्लेट यहाँ पर प्रॉब्लम मांग रहा है। तो गाइस अब यहाँ पर बिना प्ले इट के इसे कैसे चलाएंगे? तो गाइस बेसिक सी चीज़ क्या है कि गाइस इसीलिए वो प्ले इट मांग रहा है क्योंकि वो प्ले इट इनका ऑफिशियल ऐप है जो वीडमेट का है, तो इसलिए वो मांग रहा है प्ले इट। तो बेसिक सी चीज़ गाइस आप लोगों को एक सेटिंग, सिगरेट सेटिंग आप लोगों को एक करना है। तो गाइस वो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को वीडमेट में जाना है, ठीक है गाइस। तो वीडमेट में जाने के बाद क्या कर लेगा आपने, जो ये है गाइस वीडमेट उसको अपडेट कर लेना आप, ठीक है। अपडेट कर लेने के बाद यहाँ पर आप लोग को फिर से बैक चले जाना, एंड यहाँ पर मी में जाना है, ठीक। मी में जाने के बाद आप लोग को सेटिंग ओपन कर लेना है, एंड यहाँ पर आप लोग अदर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अदर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्ले वीडियोस विथ, यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर इंटरनल प्लेयर होगा या फिर आप लोग का प्ले इट का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप लोग उसे बेसिकली चेंज करके अदर MX प्लेयर सच एस MX प्लेयर, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हम लोग इसको सबसे पहले बैक चलते हैं, एंड यहाँ पर आप लोग को होम पे जाना है, एंड यूट्यूब यहाँ से यूट्यूब आप लोग को ओपन कर लेना है। मैं थोड़ा डाटा को ऑन कर लेता हूँ, एंड यहाँ से फिर से बैक जाएंगे और यूट्यूब को दोबारा से ओपन कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले एक कोई भी वीडियो यहाँ पर सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाला वीडियो मैं सेव करना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग को वीडियो को कुछ इस तरीके से इस सेवा आइकन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सबसे कम MB में अभी वीडियो को सेव कर लेता हूँ, ठीक है, क्यों फटाक से हो जाएगा सेव। तो यहाँ पर चलिए डाउनलोड कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद से मैं आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा किस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो तो काफ़ी फास्ट यहाँ पे लोड हो रहा है, सो गाइस ज़्यादा MB का भी नहीं है, 10 MB का है। तो गाइस आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपने ये वीडमेट एप्लीकेशन को एक बार अपडेट जरूर से कर लीजिएगा, चेक जरूर से कर लीजिएगा अपडेट होगा कि नहीं। तो आप अपडेट करने को बेटर रहेगा गाइस, और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, तब तक ये वीडियो भी कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो वीडियोस कंप्लीट हो चुका। तो सबसे पहले ऑडियो को मैं यहाँ पे म्यूट कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को ऑडियो म्यूट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो MX प्लेयर जो एप्लीकेशन में आप चलाना चाहते हैं उसे चला सकते हैं, तो इजीली ये अभी उस तरीके से का प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। तो आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आया, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।